मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खातमन नबीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मीरास इल्म है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फिर जो इल्म की के जो समंदर वहां से बहते हुए, वो फिर खुलफाए राशिदीन साहबे कराम ताबईन तबा ताबईन और औलिया कराम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदस की बेसत के साथ ही सिलसिला नबूवत खत्म हो गया और उसके बाद ये उम्मत का बार और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कुरान हदीस हुजूर की शरीयत की तरफ लाने के लिए औलिया कराम को जिम्मेदारी सौंपी गई और औलिया कराम ने अपने अपने अदवार में अपने अपने अहदों में इसे बहुत एहसन अंदाज से, बहुत कमाल के साथ, बहुत खूबी के साथ इसे निभाया है। करीब का दौर, करीब माजी करीब का दौर जो फितनों के एतबार से भी बहुत ज्यादा पहचाना जाता है, जिसमें फितनों ने सर उठाया और फिर फितने कादियानियत जिसमें नबूवत का दावा किया गया, ये भी वो दौर था। फिर बदअकीदगी बहुत ज्यादा उस दौर में हमें फैलती हुई महसूस होती है कि जिसमें अक्सर उस वक्त के उलमाए किराम अकायद की का तहफ्फुज करते हुए और दीन इस्लाम की तजदीद करते हुए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की, आपकी नामूस की हिफाजत करते हुए हमें नजर आते हैं। नाज़रीन किराम, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है इल्म और औलिया किराम वही हैं कि जिनके यहाँ इल्म पाया जाता है। एक ऐसी ही शख्सियत का तज़किरा आज हम कर रहे हैं कि जो बहुत ही शोहरत रखती हैं अपने नाम के हवाले से, अपने इल्म के एतबार से, अपने कमाल के एतबार से, अपने हुस्न जमाल के एतबार से, अपनी तसानीफ के एतबार से, अपने कारनामों के एतबार से। और अल्लामा इकबाल ने यकीनन जो शेर कहा है कि उन पर सादिक आता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत जो चिश्ती निजामी है, 1859 में आपकी विलादत होती है और सन 1937 में आपका विसाल होता है, गोया कमोबेश 78 साल आप उम्र पाते हैं और उसमें कारनामे इस कदर हैं। ये दौर भी फितनों का दौर था। सबसे पहले हम इसी पर गुफ्तगू का आगाज इसी ताल्लुक से करने की कोशिश करेंगे कि ये दौर कौन सा था और जिसमें फितने बहुत सर उठा रहे थे और आपने बहुत से फितनों का अपने इल्म से, उस इल्म लदुन्नी से और अल्लाह और उसके रसूल की अता से उसका कला कमा किया। हमारे साथ तशरीफ फरमा है आपकी बहुत जानी पहचानी शख्सियात, बहुत खूबसूरत अंदाजे गुफ्तगू की हामिल शख्सियत, बड़ी इस्तदलाल के साथ, बड़ी जिंदगी के साथ गुफ्तगू करने वाली शख्सियत हमारे साथ तशरीफ फरमा है, अल्लामा सैयद शाह हुसैन गर्देजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी भी शख्सियत मेरी और आपकी बहुत महबूब शख्सियत, बहुत जानी पहचानी, बड़ी जिंदगी और बड़े इस्तदलाल के साथ आप भी गुफ्तगू करते हैं, हजरत अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ये दौर फितनों का दौर है जब पीर मेले शाह साहब रहमतुल्लाह ने आंख खोली और आपने बहुत अहम किरदार उस दौर में अदा किया है, उन चंद अकाबर शख्सियात की मौजूदगी में कि जहां वो अपने अपने महाज पर उन फितनों को दूर कर रहे हैं, उसके खिलाफ नबर्द आजमाएं, वहां पीर मेले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का किरदार भी बहुत अहम नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दौर वो होता है जिसको दौरे उरूज कहा जाता है और दूसरा दौर वो होता है जिसको दौरे जवाल कहा जाता है। उरूज का दौर वो होता है कि जब इक्तदार किसी कौम के पास हो तो वो उसके उरूज का दौर होता है, ठीक, और जब इक्तदार चला जाए तो इक्तदार के जाने का असर सारे जिंदगी के शोबों पर पड़ता है, तो वो उसका दौरे जवाल होता है। हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब मुजद्दिद गौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसलमानों के, हिंदुस्तानी मुसलमानों के दौरे जवाल में पैदा हुए हैं, दौरे उरूज में नहीं पैदा हुए, ठीक,
और ये हकीकत है कि दौर जवाल ही में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा होते हैं। वाह, शायद दौर उरूज में इतने बड़े लोग, अजीम शान लोग जो है वो नहीं पैदा हो सकते। वाह, तो हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब, जैसा कि अभी आपने बयान किया है कि 1859 में आप, यानी 1275 हिजरी में आप पैदा हुए और वो अंग्रेजी दौर का उनका दौर था और 1857 का हंगामा जो है वो खत्म हो चुका था जी, और तो आजादी की तहरीक जो है वो सर उठा रही थी, ये वो दौर था। तो वो दौर था। तो हजरत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह उस दौर में पैदा हुए। अब आप ये सोच लें कि अंग्रेजों ने इक्तदार मुसलमानों से छीना है और मुसलमानों की हर चीज तबाह बर्बाद होके रह गई, उनके जो अखलाकी कदरें थी उन पर भी ये चीज असरअंदाज हुई और वो अखलाकी बेरा और रवि की तरफ मुसलमान मायल हो गए। फिर मुसलमानों का एक निज़ाम तालीम था, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो जब वो निज़ाम तालीम ख़त्म हुआ तो गोया मुसलमान इल्म से बेबहरा हो गए जी। तो एक पूरा जो है ना, फिर इक्तदार था वो, हर चीज जो है ना वो मुसलमानों की खत्म हो गई। ठीक। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की सुन्नत पर जो अमल करने वाले हैं, आपके तरीके के मुताबिक जो लोग चलने वाले हैं, तो वो रास्ता निकाल लेते हैं। हजरत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह एक अजीम शान खानदान में पैदा हुए। मेरा मौकफ यह है कि बड़े आदमी को बड़े खानदान ही में पैदा होना चाहिए और वो वहीं पर पैदा हो सकता है। हसनी हुसैनी सैयद जी। हजरत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की पुश्त के ऊपर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुव्वत भी खड़ी है। वाह, इसलिए सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये अजीम शान खानदान जो है वो एक, आप ये समझें कि एक से एक हीरा था, तो वो सारे हीरे मौजूद थे, तो उनमें सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह पैदा हुए और यकम रमजान को पैदा हुए। वाह वाह। और अजीब व गरीब बात यह है कि उधर आप पैदा हुए और उधर एक मजजूब फकीर ने आके दरवाजे पे दस्तक लगाई कि पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, यानी वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी ज्यारत सबसे पहले मुझे कराई जाए। वाह। हजरत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह को उसके सामने पेश किया गया तो उसने, जैसे फौजी सलूट करते हैं, तो ऐसे एक सलूट किया और या मुजद्दिद या वली कह के वो रुखसत हो गया और फिर कभी वो गोल्डन शीफ नहीं आया। यानी आने वाले अहद का कमांडर है। जी हाँ, आने वाले अहद के जो है उसमें ये बता गया है वो कि इस शख्सियत ने क्या किरदार अदा करना है। तो हजरत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस दौर में जो है ना तरबियत पाई और जहर है जो हालात होते हैं, जो माशरे के मामलात होते हैं, गर्दो पेश के जो हालात होते हैं, वो सारे के सारे उस शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। वो शख्सियत चूंकि इतनी हसास और इतनी बेदार मग़्ज़ होती है कि वो हर चीज को महसूस करती है जो लोग महसूस नहीं करते, तो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं ये उनके तख्त शूर में मौजूद थीं। उनकी परवरिश हुई जब, तो उन्होंने इन सारी चीजों को महसूस किया और उनको ये अंदाजा हुआ कि मुसलमान किस पस्ती में मुबतला है और किस बुरे तरीके से इनको जलील और रुसवा किया गया है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने जिस तरीके से लोगों को मुसलमान करके जिंदा किया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के मानने वाले आपकी औलाद में से इस नौजवान ने उस वक्त इन चीजों को महसूस किया और मुसलमानों के अंदर शऊर जो है उसको बेदार किया और उसको बेदार करके एक उम्मत को उन्होंने नए तरीके से तवाना कर दिया। इस हिसाब से तवाना किया कि जैसे इमाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि हक्का के बिना इला इलाहा हस्त हुसैन, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को जिंदा कर दिया है। इस तरीके से हजरत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सारी खिदमत अंजाम दे के दीन को एक मरतबा फिर जिंदा किया। शाह साहब, जिस तरह शाह साहब ने भी जिक्र किया कि वो इल्मी और फिक्री एतबार से भी एक चैलेंज दरपेश था, फिर सियासी और जोग्राफियाई एतबार से भी चैलेंज दरपेश था, और फिर जो तसानीफ हैं आपकी वो भी इसी की तरफ इशारा कर रही हैं। आज के दौर में पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक रूहानी शख्सियत तसव्वुर किया जाता है और लाखों करोड़ों अकीदतमंद पूरी दुनिया में मौजूद हैं। शायरी को उनकी बहुत तरजीह दी जाती है, बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन कम लोगों को इल्म है कि ये एक बहुत आलिम बा कमाल, एक ऐसे फकी, ऐसे वक्त के मुहद्दिस जिन्हें मुजद्दिद कहा जाए कि वो भी हैं। आपकी इल्मी खिदमात के ताल्लुक से क्या कहेंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مقدمے میں تو قبلہ شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام گوشوں کی طرف اشارہ فرما دیا ہے. میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح شاہ صاحب کا بڑا پیارا جملہ تھا کہ بڑی شخصیات کو بڑے خاندان ہی میں پیدا ہونا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خود ذکر فرمایا ہے کہ بنو ہاشم کے اندر اللہ رب العالمین نے چار خصلتیں رکھی ہیں جو ان کے اندر اور نسلوں اور نسبوں کے اعتبار سے بدرجہ اتم موجود ہیں. جو آپ خدمات کی بات کر رہے ہیں یہ مقدمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرما دیا. سکا فرماتے بنو ہاشم میں یہ ہے کہ وقت فتنہ وہ ثابت قدم رہے گا. یہ بنو ہاشم کی خصلت وراثتاً ہوتی ہے. اور فرمایا دوسرا ہے کہ اگر بظاہر فتنوں کے وقت اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے پسپائی کی جانب مائل ہو لیکن وہ لوٹ کر پھر دشمنان اسلام کی طرف کھڑا ہوگا اور اپنے اکابر اور اپنی جو علمی روحانی وراثت ہے اس کے تحت آنے والے فتنے کی سرکوبی کرے گا. اور پھر فرمایا کہ جو مساکین ہیں اور جو محتاج ہیں ان کے لیے وہ بڑا رقیق القلب ہوگا اور ان کا بہت بڑا سہارا ہوگا. یہاں پر اگر آپ دیکھیے کہ جو نفسیات کے ماہرین ہیں, قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان بغیر نفسیات کے نہیں سمجھا جا سکتا ان تمام گوشوں کو شخصیت کے اعتبار سے. پہلے زمانے میں قبلہ صاحب یوں ہوتا تھا کہ اس میں دو گروہ تھے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ہر شخصیت طبیعت کے اعتبار سے ایک ہوتی ہے, لیکن اسلام نے پہلے اس چیز کو جدا کر دیا تھا. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو مسلم شریف کے اندر ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. تو حضور نے خود فرمایا کہ لوگ مختلف کانوں کی طرح مختلف ہوتے ہیں. سونے کی کان سے سونا پیدا ہوتا ہے, چاندی کی کان سے چاندی پیدا ہوتی ہے. اور اسلام جو ہے کسی کے نسب کی حرمت کو پامال نہیں کرتا مگر جبکہ وہ ایمان لے آئے اور اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا وہ شروع کر دے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ پیر مہلوی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیکھنا ہے تو باقاعدہ یہ تمام جس طرح کہا گیا کہ حسنی اور حسینی سادات ہیں آپ, تو یہ اپنے نسب کا ایک بہت خوبصورت نکھار ہیں اور یہ حسنی اور حسینی سادات کی خدمات کی بہترین جلوگاہ ہے اور بہترین مظہر عتم ہے. اپنے دور کے اندر متعدد اکابر موجود تھے لیکن جو خدمات اور جو شہرت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس میں آپ کا نسب پاک اور وہ فیض اور بزرگوں کی روحانیت آپ کے ساتھ شامل حال تھی. اس کی وجہ پیر مہلوی شاہ صاحب خود اپنے ملفوظات کے اندر ذکر فرماتے ہیں اور اپنے ملفوظات شریف کے اندر آپ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سادات کا یہ شرف ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر وراثتاً وہ کمال رکھا ہے کہ اگر یہ عبادات اور ریاضت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں تو دوسرا کوئی طبقہ اس طرف آئے تو وہ منزل مقصود میں تھوڑا مؤخر ہوتا ہے, ان کو اللہ رب العالمین ان درجات پر پہلے پہنچا دیتا ہے. اس حوالے سے علم نفسیات کا جو قاعدہ میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا وہ پیر صاحب کی شخصیت کا تعارف کا مقدمہ ہے. وہ یہ ہے کہ جناب انسان کی شخصیت پر کیا چیزیں مؤثر ہوتی ہیں. پہلے متقدمین جو لوگ تھے وہ علم نفسیات کے ماہرین یہ بات کہا کرتے تھے کہ جناب انسان کی شخصیت پر کوئی چیز متاثر نہیں ہوتی, لیکن بعد میں تحقیق کر کے اسلامی نظریے کو سلام کرنا پڑا انہیں کہ ایک رحم کے اندر اگر دو بچے بیک وقت پرورش پا رہے ہوں اور دونوں جڑوا پیدا ہو جائیں تو دونوں کا مزاج میں فرق ہوتا ہے, دونوں کے افعال میں فرق ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ایک قاعدہ بنا کہ بچے کے اندر اس کی وراثت مؤثر ہوتی ہے. وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ ماں باپ کا مزاج اور ان کی وہ خودداری ان کی وہ دیانتداری. جس طرح کہ بنو ہاشم سے متعلق سید عالم نے فرمایا کہ بنو ہاشم کی خصلت یہ ہے, حضور نے فرمایا اور نسبوں کے مقابلے میں کہ یہ فتنے کے وقت ثابت قدم رہیں گے. واہ. اور اگر بظاہر اسبابی طور پر پسپائی کی طرف آ بھی گئے تو پھر لپٹ کر وہ دشمن کی طرف بڑھیں گے اور پھر خلق خدا جو اللہ رب العالمین کا کنبہ ہے ان کے ساتھ یہ خیر خواہی کریں گے, اپنے منہ کا نبالا انہیں دیں گے اور اپنی زندگی کا آخری لمحہ تک انسانیت کی فروغ ان کی ہدایت اور ان کے مقام اور ان کی ضروریات کے تحفظ میں وہ خرچ کر دیں گے. تو یہ وراثت ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ یکم رمضان المبارک جس طرح فرما رہے ہیں کہ آپ کی ولادت طیبہ ہے اور بچپن ہی میں مجذوب نے گویا کہ بات کر دی, تو علمی کمالات آگے چل کر ہم گفتگو کریں گے, لیکن اس سے بڑا علمی کمال کیا ہو سکتا ہے کہ دین کی سب سے پہلی مضبوطی جو وہ کتاب اللہ ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے تحفظ کے لیے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے. پہلے انبیاء کو یاد ہوتی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام امت کے لیے یہ فیض عام ہو گیا. پھر مہلوی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات اور آپ کے کمالات میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جس وقت آپ نے مختصر اپنی بچپن کی عمر جو چار سال کے لگ بھگ ہے جس میں آپ نے ناظرہ ختم کیا تو اس حالت میں آپ کو حفظ قرآن بھی ہو گیا. تو اس انداز میں آپ اندازہ لگائیے کہ جناب یہ حیران کن مرحلہ اور یہ
इंतहाई करामत का दर्जा आप देखिए कि जनाब जिस उम्र के अंदर आपकी आपका नाजरा का दौर खत्म हो रहा है वही दौर जो है कि वह आपकी तफीज कुरान का हो रहा है। तो यह विरासत भी आप देखिए और माहौल भी आप देखिए। तो यकीनन जो बड़ी प्यारी बात शाह साहब ने फरमाई कि बड़ी जातें बड़े खानदानों में पैदा होती है और फिर महल शाह साहब रजी अल्लाह तआला बड़े खानदान में पैदा हुए तो बड़े खानदान की विरासत और उस माहौल के मुकम्मल आप मुहाफिज हुए, जलवागाह बने और इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे वो काम लिया और उस जिम्मेदारी का एहसास और मैदान अमल में उतर कर आना और हर चीज की आपने जनाब जो है कि वो किसी शय की परवाह न करना, ये वो चीज है जो बनू हाशिम के खून के अंदर मौजूद थी और उसका खूबसूरत निखार और नजीर सिदना पीर महली शाह साहब रजी अल्लाह तआला के पास इल्म जाहिरी और इल्म बातिनी के तौर पर पहुंचा है। अरबी, फारसी, उर्दू, पंजाबी शायरी भी हमें मिलती है, तसानीफ भी है। क्या उस दौर में ये एक जौक का मजहर है या उस वक्त की जरूरत थी उसको पीर महली शाह साहब मद्देनजर रखे हुए थे? सैयदना पीर महली शाह साहब मुजद्दद गोलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दरस निज़ामी जो उस वक्त मुरव्वजा था आपने वो पढ़ा और वो मुख्तलिफ इसातिज़ा से आपने पढ़ा और वो पढ़ते पढ़ते आप जो है ना आखिरी दौरे हदीस जो है आपने मौलाना अहमद अली सहारनपुरी से किया जिनका बुखारी शरीफ पर हाशिया भी मौजूद है। ठीक है, हज़रत सैयदना पीर महली शाह साहब मुजद्दद गोलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इन सारी जुबानों को जानते थे और यानी फारसी तो पढ़ाई जाती थी और अरबी भी पढ़ाई जाती थी, उर्दू आप वैसे ही जानते थे, पंजाबी आपकी मादरी जुबान थी। ठीक, तो इन सारी जुबानों में जो है ना आपको दस्तरस हासिल थी। उस जमाने में जो लिखा जाता था उलमा के लिए अरबी में लिखा जाता था, ठीक है, अवाम के लिए फारसी जुबान में लिखा जाता था। ठीक ठीक, फिर जब जरा नीचे लोग आ गए तो फिर अवाम के लिए उर्दू में लिखा जाने लगा। ठीक, तो ये सारी जुबानें आपने इस्तेमाल की, आपने उर्दू में भी लिखा, फारसी में भी लिखा और अरबी में भी लिखा और शायरी भी आपने की, उर्दू में भी शायरी की, सराइकी जुबान में भी की, पूर्वी जुबान में भी की और अपनी जो जुबान थी उसमें भी आपने जो है ना शायरी की, तो मुख्तलिफ शोबों। लेकिन ये बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि आप बुनियादी तौर पर शेर की तरफ कोई खास तवज्जो रखते नहीं थे, जौक के हिसाब से कि जब कभी जौक आया आपको तो आपने उस तरफ तवज्जो की तो शेर आप जो है लिखते। लेकिन अवाम में मैं यही बात कर रहा था कि अवाम में एक मशहूर है एक रूहानी शख्सियत जी पीर साहब, वो असल में तो आपकी नात शरीफ है। ठीक है, वो अच्छे की मित्रा दी वदेरी वो इतनी जो है ना मशहूर हो गई कि वो एक नात जो है ना, जी हाँ, वो एक नात जो है बड़े बड़े दीवानों के ऊपर हावी हो। जी हाँ, बेशक बेशक, तो ये वजह से वो और उसकी शोहरत ज्यादा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम या जिस तरह हम पेश कर रहे हैं ये चीजें बड़ी कारामद होंगी लोगों आम अवाम नास तक ये पहुंचाने के लिए कि वो आलिम कितने बड़े हैं। बात ये होती है कि अवाम जो होती है वो अपने फहम के हिसाब से शख्सियत को समझती है। ठीक, तो अवाम का फहम चूंकि यहीं तक है तो इसलिए वो यहां तक जाती है। लेकिन हकीकी तौर पे आप बहुत बड़े आलिम थे और बहुत बड़े आरिफ थे और इसके ऊपर आपकी किताबें जो हैं वो गवाह हैं और जो आपने अपनी जिंदगी जिस हिसाब से गुजारी है वो नहायत ही आलिमाना और आरिफाना अंदाज में गुजारी है। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि एक बड़े आलिम थे तो वो उनको सीबवा जमा कहा जाता था। सीबवा जमा का मतलब यह है कि वो इल्म नाव में उनका बहुत बड़ा मकाम था और बहुत बड़ा दर्जा था। वो अपने शागिर्दों के माई उनको साथ लेके हज़रत सैयदना पीर महली शाह साहब से मुलाकात के लिए आए। ठीक, आपने उनसे पूछा कि मौलवी साहब दारा बज़ैद उन अमरन की तरकीब क्या है? तो मौलवी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बातचीत शुरू हो गई तो मौलवी साहब ने इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। जब वहां से उठे तो शागिर्दों ने कहा उस्ताद जी आपने हजरत साहब को जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इसकी तरकीब आती है? उन्होंने कहा जी आती है। तुम्हें मैंने बताई है? उन्होंने कहा जी है, आप ही ने बताई है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये मुझे आती है? उन्होंने कहा जी आती तो आपको है लेकिन हजरत साहब से आपने जब उन्होंने सवाल किया तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो मौलाना साहब ने फरमाया कि ये तो पीर साहब बात के आगाज के लिए दारा बज़ैद उन अमरन की तरकीब पूछ रहे थे, इसके बाद जो उन्होंने सवालात करने थे वो मुझे अंदाजा था, मैं उनका जवाब नहीं फराम कर सकता। वाह वाह, तो ये एक इस हवाले से बात है आलिमाना हवाले से। अब एक मैं आपसे ये अर्ज करूं कि एक आलिम थे बड़े जय्यद किस्म के आलिम थे और वो किसी सूफी को मानते नहीं थे। आलिम तो वो खुद ही को मानते थे कि मेरे बगैर कोई आलिम नहीं है और सूफी को भी किसी को नहीं मानते थे। कहते थे जो आदमी
चीज आजकल तस्बीह हाथ में उठा ले फेरना शुरू कर दे तो लोग समझते हैं ये आलिम है, जिसको करीमा आता है तो वो समझते हैं वो जो ना आलिम बनता है, जो तस्बीह फेरता है वो समझते हैं मैं आरिफ हो गया हूं। तो हज़रत सैयदना पीर मीर शाह साहब की शोहरत उन्होंने सुनी कि ये लोग बताते हैं बड़े आलिम बड़े आरिफ हैं। तो वो मौलवी साहब बड़े मालदार आदमी थे, वो अपनी घोड़ी पे सवार हुए तो मुलाकात के लिए पहुंच गए। तो वो इस घुमंड में आए थे, उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा कि ये नमाज भी इनको सही तरीके से पढ़ना आती है कि अस्तग़फिरुल्लाह। वो जब गोड़लाशी में पहुंचे तो सैयदना पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह असर की नमाज पढ़ने लगे। तो मौलवी साहब बजाय इसके कि जमात में शामिल हो, उन्होंने पीर साहब को देखना शुरू कर दिया कि ये रुकू सुजूद और ये नमाज सही तरीके से अदा भी करते हैं या नहीं करते, नजरों से तनकीदी नजरों से। वो देखते देखते मौलवी साहब को वाहिद आ गए, ऐसा वाहिद आया ऐसा वाहिद आया कि उन्होंने शोर गौगा शुरू कर दिया। हजरत साहब ने नमाज पढ़ी और चले गए। दूसरे दिन आपने खादिम से कहा कि वो मौलवी साहब हैं उनको जरा ढूंढ के लाओ, वो जिनको वाहिद आया हुआ है। खैर बड़ी मुश्किल से वो मौलवी साहब जो है ना वो हजरत साहब के पास पहुंचे। तो हजरत साहब ने उनसे पूछा मौलवी साहब आप किस काम के लिए तशरीफ लाए आप बताएं। तो उन्होंने कहा मैं बैत के लिए आया हूँ हाजिर मुरीद होने के लिए। तो आपने फरमाया मैं आपने मुझे मौलवी समझ के मेरे साथ बैत कर रहे हो, तो कल कोई और आलिम आपको मुझसे बड़ा मिलेगा तो आप उससे बैत हो जाओगे, तो लिहाजा मैं तो नाकारा आदमी हूं तो आप कोई और अच्छा आलिम तलाश करें, कोई अच्छा आरिफ तलाश करें तो उससे जो है ना आप बैत हो। तो बाहर का वो इसरार करके बैत हुए। मैंने ये दो मिसालें इसलिए दी हैं, एक इल्म की दी है और एक इरफान की दी है, और इन दोनों मिसालों से ये बात वाजे होती है कि बड़े बड़े उलमा इकराम जो हैं वो आपके इल्म के सामने और आपके इरफान के सामने अपना सर झुकाते। जो दो चीजें मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं, जो दो सबसे बड़े उस अहद के चैलेंजेस थे, चूंकि अंग्रेज मुसल्लत थे और वो न सिर्फ जोग्राफियाई सतहों पर मुसल्लत थे बल्कि उनका तसल्लुत इल्मी और फिक्री एतबार से, और सबसे बड़ा हमला हुजूर की जात के ताल्लुक से अकायद पर वो पनप रहा था उस दौर में कि जिसका सामना उस दौर के बहुत से लोगों हजरत इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, पीर मीर शाह साहब रहम, ये जो सद्देबाब था जो इसकी सरकोबी की गई उस दौर में, जो हुजूर की जात के एतबार से जो जो मसाइल पैदा हो रहे थे या अकायद को खराब किया जा रहा था, उसमें पीर मीर शाह साहब का किरदार क्या देख रहे हैं आप? देखिए पीर मीर शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वर्दाहुन्ना ने मसला खत्म नबूवत पर वो काम करके दिखाया है जिससे मैं कहता हूं कि क़यामत के दिन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वर्दाहुन्ना आपको अपने सीने से लगाएंगे। क्या बात। हज़रत पीर मीर शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत के हवाले से बेशुमार किताबें आपकी मंजर आम पर आई, और वो तहकीक अनीक आई है कि जब मिर्ज़ा ने अपनी किताबों से इस्तदलाल शुरू किया और उसने लिखना शुरू किया और उसकी एक तफसीर का बड़ा नाम किया गया कि जनाब ये इल्हामी तफसीर है, तो पीर मीर शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला ने उसकी अरबी अगलात जो है मकामत हरीरी हमारे अदब अरबी के अंदर बड़ी मशहूर किताब पढ़ाई जाती है और अशार वाक़ियात पर मबनी है, और उसको एक एतबार से अरबी इबारात को समझने के लिए उसको माखज़ भी कहा जाता है, और यकीनन हर आलिम जो है कि वह अरबी इबारात की तमीज़ और अदब अदबियात और उसके उसूल को जानने के लिए उस किताब को हमारे मदारिस में पढ़ाया भी जाता है। तो पीर मीर शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वर्दाहुन्ना की इल्मियत यह है कि उसकी जिसको वो इल्हामी किताब या जनाब यह कहना कि मुझे वही आई है माज़ल्ला, उसके तहत मैंने अरबी लिखी है। पीर मीर शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी 20 अगलात इस किताब से निकाल कर दिखाई है और जिसका जवाब वो ना दे सके। अब उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने सर जोड़कर अपने खलीफे से एक किताब लिखवाई शम्सुल बाज़िगा, और उस पर यह कहा गया कि जनाब इसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता, और उस वक्त जो लोग थे और वो भी उस किताब को देखकर बड़े हैरान थे कि इसका जवाब किस तरह बनेगा। और पीर मीर शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला के सामने जो वो किताब लिखी गई, तो आपने इससे पहले शम्सुल हिदाया भी तहरीर फरमाई है मसला खत्म नबूवत पर, लेकिन 1902 में जो सैफ़ इश्तियाई जो आपने तहरीर फरमाया उसको बहुत मुबारक नाम है सैफ़ इश्तियाई, उसमें आपने खुद लिखा और उसके जिसको सर 10 मुझे वो अल्फाज मिनवान याद नहीं है इबारतन बिलफ़्ज़ी, लेकिन उसका लुबालुबाब और खुलासा ये बनता है कि हुजूर क़िबला सैयदना क़ुतुब आलम क़िबला आलम सरकार पीर मीर शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला की इल्मी जलालत ये थी कि आपने फरमाया इस किताब को देखकर इसका रद्द रखना ये मेरी इल्मी शान नहीं है, लेकिन मेरे अहबाब और मुरीदीन का बेहद इसरार है कि जनाब इसका जवाब लिखा जाए, तो आपने सैफ़ इश्तियाई तहरीर फरमाई, और सैफ़ इश्तियाई 1902 के अंदर तहरीर फरमाने के बाद आपने उस फितने का सद्देबाब किया। हजरत पीर मीर शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला ने सैफ़ इश्तियाई जब लिखी तो सारा आलम यह बोल पड़ा कि जनाब जो है कि वो
اس جیسی کتاب اور نہیں لکھی جا سکتی۔ حضرت ہی نے اپنی کتاب جو تحریف فرمائی اس میں میں نے خود پڑھا ہے کہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت لی ہے کہ یہ کتابیں حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کہ وہ خدمت میں بھی کتابیں پہنچی ہیں ساری، اور آپ نے اس کو مطالعہ فرمایا۔ تو حضرت مولانا ضیاء الدین قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاضل بڑی بڑے ذوق کے ساتھ ان کتابوں کو مطالعہ کرتے تھے، اور اپنی علمی مجالس کے اندر پیر صاحب علیہ رحمہ کے لیے تحسینی جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اس کتاب کی اور آپ کی عبقریت جو ہے وہ اتنی شورہ آفاق تھی، جس میں صفحہ چشتیائی جیسی جو ہے کہ وہ ایک عظیم کتاب جو ہے کہ وہ آپ کا ایک بہت بڑا مقدمہ ہے۔ اس کے علاوہ تصفیہ جو آپ کا ہے، پورا اس کا طویل نام ہے، وہ تصفیہ لکھ کر آپ نے دو بڑے گروہ کے درمیان جو ہے کہ وہ ایک خاص جو نزائی مسئلہ تھا، اس نزائی مسئلہ کے لیے جو صحیح رخ تھی اس کو واضح کیا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو دو بڑے گروہ کے اندر ایک نظریے میں صلح کی طرف جا سکتا ہے، اور اسی بات کو گویا کہ کتابوں کے اندر باقاعدہ درج کیا گیا ہے کہ کرامات تو بے شمار ہوتی ہیں اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے، جس طرح کہ ایک تو حسی کرامات ہیں جس میں حضرات اولیاء کاملین کے لیے طے ارض زمین ان کے لیے لپیٹ دی جاتی ہے، پانی کے اوپر وہ چلتے ہیں، اور یہ کرامات حضرات اولیاء کرام کے لیے مسلم ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح کی نقلیں شعبدے کے حوالے سے بھی کر دیتے ہیں، جس کو ہمارے اصول کے اندر استدراج کہا جاتا ہے، لیکن کرامت کی جو اصل روح ہے وہ معنویت ہے، اور معنویت جو ہے وہ استقامت شریعت پر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ تعلق ہے، اور اسلام کی تحریک کے مقابلے میں اور اصول دین کے مقابلے میں اٹھنے والی ہر تحریک کے لیے عظیمت کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے اس کے سامنے علمی طور پر حتی الوسع جتنی استطاعت ہے اس سے مقابلہ کرنا اور اس تحریک کو روکنا، اور پھر وہ مسلمان جو کنفیوز ہو چکے ہیں عقائد و نظریات کو سمجھنے کے اندر، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے دیے ہوئے اس علم و عرفان کے ذریعے ان کے ذہنوں سے تذبذب اور تشکیق کو نکال کر انہیں صراط مستقیم کی طرف واضح کرنا۔ تو یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب چاہے اعلیٰ کلمۃ الحق گیارہویں شریف کے مسئلے پر ہو، یا جناب سیف چشتیائی اور شمس الہدایہ یہ جو ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہو، یا آپ کی تحقیق الحق یہ وحدت الوجود کے مسئلے پر، یہ وہ ساری وہ کتابیں ہیں کہ یہ الجھے ہوئے مسائل اس دور کے اندر تھے، اور آپ کی شخصیت تو اتنی اعلیٰ ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ادق اور مضبوط کتاب ہے، یہ سطر بھی نہیں پڑھ سکتا کوئی، پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ اپنے عام معاملات کے اندر لوگوں کو اس کا درس دیتے تھے، آپ کے ملفوظ کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی بارگاہ عالیہ مقدسہ کے اندر اور اس بقعہ مقدس میں جو لوگ بیٹھتے تھے ان کے اندر صلاحیت اور استعداد ایسی تھی کہ وہ جس انداز میں پیر صاحب سے سیکھ کر اپنی فکر سے سوال کرتے تھے، میں کہتا ہوں سوال کو سمجھنا ایک مسئلہ ہے، اور پھر پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی تشریف کے جواب مرحمت فرما۔ شاہ صاحب ابھی جو کانفرنس ہوئی گولہ شریف میں آپ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، کیا وجہ ہے کہ اتنے علماء کے ہونے کے باوجود یہ سہرا پیر مہر علی شاہ صاحب کے سر پر سجا، اور پیر مہر علی شاہ صاحب ہی وہ رب کا انتخاب ثابت ہوئے کہ جنہوں نے آ کر مقابلہ کیا علمی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی؟ دیکھیں یہ بات قسمت کی ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر، جی ہاں قسمت کی بات ہوتی ہے، کسی کا کام کسی شعبے میں ہوتا ہے، کسی کا کام کسی شعبے میں ہوتا ہے، اور کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں ان کا کام ذرا محدود ہوتا ہے، کچھ کا بہت وسیع ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت دین کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے ان تمام شعبوں میں آپ نے کام کیا ہے۔ مثلا میں آپ سے یہ بات کہوں کہ آپ نے جو اس وقت کی مسلمانوں کے اندر خلفشار تھا، جس طریقے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ اس حساب سے جو چیزیں تھیں سیدنا پیر مہر شاہ صاحب مجدد گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا بہت ہی عالمانہ انداز میں جوابات دیے اور ان کا رد کیا ہے۔ اور پھر آپ چونکہ عوامی شخصیت بھی تھے، ساتھ ساتھ کی ذات کے حوالے سے بھی جو بدعقیدگی پھیلائی جا رہی تو حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب مجدد گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان مطلب تمام طریقے جو ہیں ان کا آپ نے مقابلہ کیا اور بھرپور طریقے سے کیا۔ اور پھر جو آپ نے یہ بات کہی ہے مرزا قادیانی کے حوالے سے، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ مرزا قادیانی نے جو آپ کو چیلنج دیا تھا تو اس چیلنج میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں جو ہے نا پیر مہر علی شاہ مجدد گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہا ان کو چیلنج دے رہا ہوں، لیکن اگر وہ میرا چیلنج قبول نہیں کرتے تو پھر میں بیک وقت 40 علماء اکرام سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو گویا وہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ ان کا علم میں عرفان میں کیا مقام ہے، تو وہ اس کو یہ بات تسلیم تھی۔ تو حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ مطلب علم میں اور عرفان میں اتنے کامل تھے۔ اور پھر یہ بات کہ سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کے میدان کے آدمی تھے اصولی طور پہ، اور وہ اپنا سارا کچھ خانقاہ چھوڑ چھاڑ کے لاہور پہنچ گئے۔
और लाहौर जाके उस मामले को उस हिसाब से खत्म किया जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने मुबाहला का चैलेंज करके ईसाइयों की तहरीक को मिटाया। इस तरीके से हज़रत सैयदना पीर मियां शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वहां आप पहुंचे और बराए रास्त मुकाबले में खड़े हो गए और मिर्जा कादियानी आपके इल्मी दबदबे और इरफान की बुलंदी की वजह से वो आपके मुकाबले में नहीं आया। हज़रत सैयदना पीर मियां शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि आपने ये बात कही थी कि मिर्जा कादियानी जो है वो ये बातें करता है कि कुरानदाजी से आयत निकालेंगे, आयत करीमा का इंतखाब करेंगे, फिर उसकी अरबी जुबान में तफसीर लिखेंगे, तो आपने ये बात कही थी कि नहीं, कागज कलम मैदान में रख देंगे, जिसका कलम खुद उठ के लिखेगा तो वो सच्चा होगा, तो क्या आपने ये बात कही थी, तो क्या ऐसा हो जाता, आप कलम को कहते तो वो लिखना शुरू कर देता। आपने फरमाया उस दिन ये बात बहुत छोटी थी। वाह वाह वाह, उस दिन मैं बड़ी सी बड़ी बात भी अपनी जुबान से निकालता वो भी पूरी होती। क्या बात, क्योंकि मैं खुद नहीं बोल रहा था, मुझे खुद बुलाया जा रहा था। क्या बात, तो जब आपको बुलाया जा रहा था आप ये बात समझते थे कि मैं इस हवाले से मामूर मिनल्ला हूं। हज़रत सैयदना पीर मियां शाह साहब मुजद्दद गौड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक काम और भी किया कि सिर्फ खुद ही ये काम किए और छोड़ दिया मसले को, ये नहीं, आपने किताबें भी लिखी और ऐसे लोग आपने पैदा किए, फॉलो अप, जी हाँ, उसके ऐसे लोग आपने पैदा किए कि जो हर सतह पर जो है उन्होंने कादियानियत का मुकाबला किया, आपके दौर में किया, आपकी इजाजत से किया, आपके हुक्म से किया, आपने उनको फरमाया, किसी को आपने फरमाया लाहौर जाओ, किसी को आपने फरमाया कश्मीर जाओ, किसी को आपने फरमाया कादियान जाओ, किसी को आपने जो है ना कहां का फरमाया, तो इस तरीके से जो है ना वो उलमा का एक जम्बे गफीर था जिन्होंने कादियानियत का रद जो है वो भरपूर तरीके से किया, और ये वो काम था जो हज़रत सैयदना पीर मियां शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का था, और इसमें कोई आपका सानी नहीं है और कोई आपकी नजीर। इल्मी और फिक्री कारनामे के बाद जिस तरह शाह साहब ने जिक्र किया, तसव्वुफ और रूहानी, बिल्कुल कीजिएगा, तसव्वुफ और रूहानियत की तरफ आ गए उस मरकज़े सकल, तो मैं भी चाहता हूं कि हम प्रोग्राम को भी उस तरफ मोड़ें जब आपने हज किया और वो हज के जो वाकयात हैं और सुबहान अल्लाह, मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां के थे, यानी ये जो वाकयात वहां पर रूनुमा हो रहे हैं और जो इश्क के मामलात हैं आपके, इश्क रसूल, इश्क इलाही के मामलात हैं, उस हवाले से भी रोशन। देखिए, मैं इससे पहले अर्ज करना चाह रहा हूँ, क़िबला शाह साहब, क़िबला ने जो शाह फरमाया बहुत खूबसूरत और तमाम बातें जो बिखरी हुई मजामीन के ऊपर उन्होंने चंद मिनट के अंदर समेट कर बयान कर दी हैं। पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मसला खत्म नबूवत पर ये तमाम जो है कि वह ग्रां खिदमात आपने अंजाम दी है, वहीं पर सहाबा इकराम अली मुरदवान पर उठने वाले एतराजात का भी आपने बहुत बुनियादी जवाब तस्वीर में आपने मरहमत फरमाया। उसमें जिस तरह की एक बात यह थी कि एक सवाल हजरत पीर महली शाह साहब से बड़े शोर गौल के साथ जनाब वो किया करते थे, मिर्जाई और तमाम लोगों से करते थे, जिसका जवाब किसी से बनता नहीं था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे और तुम्हारा यह नजरिया है कि नबूवत जब दे दी जाए तो उसमें इनकता नहीं, और नबूवत में इनकता मानना ऐसी कुफर है कि नबूवत तो छीनी नहीं जाती ना वो कटती है, तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जलबगर होंगे कुर्ब क़यामत तो नबूवत की सूरत में होंगे, तो पता चला एक नबी आ चुका है दूसरे नबी के दौर के अंदर, अब वो नबी जब आएगा तो नबी तो होता है तबलीग पर मामूर, और जब तबलीग करेगा तो अपने दीन की करेगा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मामला तो ऐसी माज़ल्ला जो है कि बज़ाहिर मनसूख नजर आता है, तो मैंने ये कर दिया तो क्या हुआ, यकीन कीजिए ये वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, शोर करते रहे, ये वाहिद शख्सियत हुजूर आयतुम मिन आयतिल्लाह क़िबला आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वर्दाहुन्ना की शख्सियत मुबारक है। हमने तालिब इल्म होने के हिस्से से कई किताबें पढ़ी हैं, लेकिन पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वर्दा होना की शख्सियत मुबारक है कि आपने सिर्फ चिश्तियाई शरीफ के अंदर इसका जवाब दिया और उसको बड़े आसान अंदाज से और ऐसे क्लियर किया जैसा कोई एतराज था ही नहीं। फरमाया जी एक जहूर होता है और एक बतून होता है, नबूवत के दो रुख होते हैं, एक जहूर का पहलू रखता है, एक बतून का पहलू रखता है, और फरमाया कि जो बतून का पहलू है वो कुर्ब इलाही के साथ मुतल्लिक है फैज लेने में, और जहूर का जो पहलू है वो तबलीग के साथ है, तो जहूर का पहलू साकित कभी होता है लेकिन बतून हमेशा शामिल रहता है। तो फरमाया इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो बुतून नबूवत उनमें मुतहक्कक है और उसका इंतकता मानना जायज नहीं है, लेकिन जहूर जो है वो ऐसी पोशीदा रहेगा जिस तरह सरकार अलैहिस्सलाम 40 साल से पहले बुतून नबूवत मौजूद है लेकिन जहूर तबलीग नहीं है। समंदर को कूजे में जमा करके जो पीर महली शाह साहब रजी अल्लाह अन्हु वर्दाहु अन्ना ने जो ये जवाब मरहमत फरमाया है ये आप ही की इनफरादियत है, ये उसूल भी आप ही की इनफरादियत है, और जो किसी उसूल से मुतसादिम नहीं होता बल्कि इस्तिलाह को मुनक्किद करने में कोई
जो है कि मशाखत नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता। तो पीर महली शाह साहब रजी अल्लाह तआला ने यही बात जो लोगों के जहनों में मजबूत था उसको बाकायदा एक उसूल और इस्तेलाह बनाकर कौम के सामने पेश किया। इश्क के हवाले से मुझे इशारा हो गया है कि अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, चंद कलेमात इश्क इलाही इश्क रसूल के ताल्लुक से। शाह साहब, हज़रत पीर महली शाह साहब रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्दाहु ने इश्क रिसालत के हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आपका फतावा मुबारक और वो मुकद्दस फतावा जो फतावा महरिया के नाम से मौजूद है, नाज़रीन को चाहिए कि वो फतावा फौरन हासिल करें और उसकी सत्र ब सत्र वो पढ़ें। पढ़ने के साथ जहां इल्मी इनकलाब है वहीं इरफानी इनकलाब भी खड़ा होता है। बंदा उस किताब को पढ़ने से खुद तकवे की जानिब रागिब हो जाता है, खशियत इलाही का समंदर उसके अंदर उमड़ आता है। वो तहरीर खुद जो है एक आजमूदा है बंदे की बातनी को नवाजने के लिए। उसका पहला फतवा जो है सरकार अलैहिस्सलाम की बशरियत के हवाले से कि हुजूर अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर और बशर कहने के बारे में क्या कहा जा सकता है। हज़रत पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला ने बड़े कमाल की गुफ्तगू फरमाई है और उसका खुलासा सिर्फ ये है, फरमा बशर जो खुद एक दर्जा फजीलत है लेकिन वह खवास के सामने जिक्र करने के लिए, अवाम के सामने बशरियत का जिक्र करना ताज़ीमी कलिमात के बगैर यह दुरुस्त नहीं है। फरमाया जब बशरियत का जिक्र खवास के सामने होगा, जिस तरह के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बशरियत का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तो आपका कमाल यह था कि अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से आपको बनाया था, इसलिए फरिश्तों के सामने आपकी बशरियत को जिक्र किया है। तो आपको बशर कहना या इसको यूं समझ लीजिए कि जब आपका जिक्र जो है दरबार अंबिया में हो और आपका जिक्र जो है रब्बे करीम के सामने हो तो आपको बशर कहकर खिताब किया जाएगा, लेकिन जब आपका जिक्र मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन बंदों के सामने हो कि जो आपसे मर्तबा और मकाम में नीचे है तो उस वक्त आपका जिक्र बगैर ताजीम से नहीं किया जाएगा। तो ये इतनी बारीक फिक्र है, मैं समझता हूं ये मजमून किसी और किताब में इस उसूल के साथ मैंने तो नहीं देखा जो हजरत पीर महली शाह साहब ने मसला बशरियत को कि हुजूर बशर हैं बशर हैं फरमाया, बशर बशर कहना बगैर ताजीम के ये जायज नहीं है। हां, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हजरत आदम को बशर फरमाया फरिश्तों के मुकाबले में तो उसमें सबसे बड़ी बात यह कि आपके लिए फजीलत यह थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दस्त कुदरत से आपकी तख्लीक। सुभान अल्लाह, इशारा हो चुका है। मैं चाहता हूं वह इकबाल ने भी जो खत लिखा था पीर साहब को और कुछ रहनुमाई चाहिए थी उस हवाले से मुख्तसरन। ज़हरा अल्लामा इकबाल अपने असर के बड़े आदमी थे और उन्होंने हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब मुजद्दद गौलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में वो गुजारिशात पेश की जिसके बारे में उन्होंने खुद कहा है कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जिसे पेशे नजर मकसद के लिए खटखटाया जाए। वाह, इससे हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब मुजद्दद गौलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के इल्म व इरफान में जो मकाम है तो अल्लामा इकबाल उसको तस्लीम करते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं कि अल्लामा इकबाल को अल्लाह जल जलालू ने बड़ी फिक्र अता फरमाई थी और इसमें कोई शक नहीं है वो अपने आज के बड़े आदमी थे और उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों बल्कि दुनिया के मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है और वो इतना बड़ा आदमी जो है वो हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरवाजे के ऊपर अपना सर झुकाए हुए खड़ा है और इल्म की इरफान की खैरात मांग रहा है। वाह, बहुत शुक्रिया हज़रत अल्लामा सैयद शाह हुसैन गदेई साहब, अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, हुजूर पीर सैयदना मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ददियाल हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से और आपका ननियाल हजरत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से, यूँ आप हसनी हुसैनी सैयद हुए और फिर आप सियाल शरीफ से बैत, सियाल शरीफ तौसा शरीफ से बैत, तौसा शरीफ मुहार शरीफ से बैत, मुहार शरीफ दिल्ली शरीफ हज़रत निज़ाम पाक से बैत, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फरीदुद्दीन मसूद गनशकर रहमतुल्लाह अलैह से बैत और बाबा साहब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान वहाँ नज़र आता है। तो गोया ये कादरी फैज़ान भी है, हुजूर गौसे आज़म का फैज़ान भी है और हुजूर मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान भी है, अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान भी है, हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गनशकर रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान भी है। तो ये तमाम वो बरकतें थीं, ये तो वो तमाम सआदतें थीं कि जब जमा हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं तो जो शख्सियत बनती है उसे पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। क्यों ना हो आपका इल्मी मकाम और मर्तबा इस मकाम पर और आपका रूहानी मकाम और मर्तबा इस मकाम पर कि जहां पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वक्त के मुजद्दिद भी नजर आते हैं और आरिफ बिल्ला भी नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र अनवर पर
करोड़ों रहमतों का नुजूल फरमाए और उनका हमें भी इल्मी और रूहानी फैजान अता फरमाए। वो लोग जो टेलीविजन की इस उस पार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूं कि हुजूर पीर सैयद मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का फैजान आपको भी नसीब फरमाए। लेकिन जरूरत इस अमर की है जिसकी तरफ मैंने प्रोग्राम के दौरान भी इशारा किया कि इस दौर में जहां पीर साहब को एक पीर तसव्वुर किया जाता है और एक रूहानी शख्सियत तसव्वुर किया जाता है, उनसे अकीदत मोहब्बत इरादत भी रखी जाती है और एक शायर तसव्वुर किया जाता है और आज सिख मित्रां दी वधेरी है, पढ़ी भी जाती है, बड़े जौक से सुनी भी जाती है। वहीं पर जरूरत इस अमर की है जिस तरह दोनों अहबाब ने, हमारे दोनों मेहमानों ने इस तरफ इशारा किया कि उनके जो इल्मी मकतूबात हैं और जो इल्मी तसानीफ हैं उनको भी मुताले में रखना चाहिए है। तो मैं ये समझता हूं कि इस प्रोग्राम से एक फायदा कम अज कम ये जरूर होना चाहिए है कि हम रागिब हों इस तरफ कि पीर मेले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक रूहानी शख्सियत, उनके इरफान को मानते हुए उनसे अकीदत और मोहब्बत